एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। नहीं नहीं, सच बात तो यह है कि एक गरीब लड़के को एक अमीर घर की लड़की से प्यार हो गया। लड़की के प्यार में पागल लड़का अपने आप पर काबू न रख सका। एक दिन उसने लड़की को प्रपोज कर दिया। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। अमीर लड़की ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी पूरे महीने की कमाई और मेरे एक दिन का खर्चा एक बराबर है। बस इतनी ही बराबरी है हम दोनों में, और बाकी सब जमीन आसमान जैसा है। तुम सोचते हो कि तुम जैसे किसी से मैं शादी कर सकती हूँ। मैं तुमसे कभी प्यार करना तो दूर, ऐसा सोचना भी पसंद नहीं करूँगी। इसलिए मेरे बारे में भूल जाओ और अपने स्तर की किसी और को ढूंढो और उससे शादी करो। बेचारा गरीब लड़का आहत होकर खून के आंसू पीकर वहां से सिर झुकाकर चला गया। इतनी कठोरता से ठुकराए जाने के बावजूद पता नहीं क्यों लड़का उसे कभी भी भुला नहीं पाया। शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। इस घटना को लगभग 10 साल बीत गए। एक दिन वह गरीब लड़का और अमीर लड़की गलती से एक शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से टकरा गए। लड़की ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया और कहा, अरे तुमने अपने स्तर की कोई लड़की ढूंढकर उससे शादी की या नहीं। मैंने तो अब एक बहुत ही स्मार्ट आदमी से शादी कर ली है, जिसकी एक महीने की सैलरी 10 लाख रुपए है। क्यों, अच्छा हुआ ना मैंने तुमसे शादी नहीं की। लड़का उस लड़की की अब भी परवाह करता था। वो उसके दर्दनाक शब्दों उसने आज भी पहले की तरह ही सुनकर अपने आंसू रोक लिए और कुछ नहीं कहा। लड़की अकेली मॉल नहीं आई। उसका पति उन्हें बातें करते देख उसके पास आ पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि लड़की कुछ बोल पाती, उसके पति ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया जिससे वो बात कर रही थी और कहा, सर आप, गुड आफ्टरनून, मुझे लगता है आप मेरी पत्नी से मिल चुके हो। गुड आफ्टरनून, लड़के ने लड़की के पति से कहा। फिर पति अपनी पत्नी को बोला, डार्लिंग मैं चाहूँगा कि तुम मेरे बॉस से मिलो। ये 100 करोड़ के उसी प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। लड़की सिचुएशन का यू टर्न देख हैरान रह गई। अब साफ दिखाई पड़ रहा था ना कि ना तो उसकी आंखें ना ही उसका मुंह कुछ भी कह पाए ऐसी स्थिति में थे। लड़का बस मुस्कुराया और कहा, ठीक है मिस्टर, मुझे जाना होगा। मेरे पास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका दिन अच्छा रहे। कुछ देर के लिए पति पत्नी बस उस लड़के को जाते हुए देखते ही रहे। लड़की ने झटके से उबरने की कोशिश करते हुए अपने पति से पूछा, क्या वाकई में यह तुम्हारा बॉस था। हाँ डार्लिंग, काफ़ी विनम्र व्यक्ति है ना, लेकिन उसके जीवन के साथ काफ़ी दुखद कहानी जुड़ी हुई है। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि वह एक लड़की से प्यार करते थे, लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वह गरीब थे। इस वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की और क्योंकि वह होशियार है वह सफल हो गए। अब वह 1 करोड़पति है जो एक महीने में लाखों डॉलर कमाते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो उस लड़की से एकदम सच्चा प्यार करते थे, इसलिए वो आज भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने अब तक शादी नहीं की। पति उसके गुण गाता रहा। पत्नी ने कहा, कितनी खुशनसीब होती वह औरत अगर इस भले आदमी से शादी कर लेती। पत्नी पूरी तरह से सदमे में थी और एक शब्द भी बोल ना सकी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।